कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, a hunter aims his gun and fires a bullet directly at a monkey on a tree. At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops. Will the bullet hit the monkey? Substantiate your answers with proper reasoning. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट से समझ लेते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। जो मंकी है वो अभी ए पर है और हंटर ने उसके ऊपर एक बुलेट फायर करी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही बुलेट फायर करी उसकी आवाज से मंकी डर गया, उसके हाथ से पेड़ छूट गया, ठीक है, और अब वो नीचे गिर रहा है, क्लियर। अब क्वेश्चन ये कि जहां निशाना लगाया गया था ऊपर की तरफ पॉइंट ए पर, वहां तो मंकी अब रहा नहीं, ठीक है, और अब वो नीचे गिर रहा है, तो क्या बुलेट इस केस में उसको हिट करेगी। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अब बुलेट स्ट्रेट लाइन पाथ तो फॉलो करेगी नहीं, जैसे ही बंदूक से निकलेगी वो एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बन जाएगी, क्लियर, अब वो स्ट्रेट नहीं जाएगी उसके ऊपर। तो हमें यह बताना है कि क्या बुलेट जो है उसे हिट करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है ना हम यहां पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्टिकल पोजिशन एट टाइम टी, जो बुलेट की वर्टिकल पोजिशन होगी उसको हम टाइम टी पर यहां पर कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर। यहां पर हम यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहां पर यू वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, यू वाई जो होगा इस केस में यू साइन थीटा बन जाएगा, और जो कि बुलेट ऊपर की तरफ जा रही है तो ए की जगह आएगा माइनस जी, ठीक है। तो यहां पर आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक की क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर होगी, इसमें क्वेश्चन नंबर वन बोल देंगे। अब हम निकालेंगे यहां पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन की, बुलेट आगे कितना जा चुकी है, ठीक है। तो यहां पर टाइम टी के अंदर जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है बुलेट की, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है ना कितनी आएगी यहां पर। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकालने के लिए हम एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काउंट नहीं करते हैं, तो इट्स अ सिंपल मोशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एक्स की वैल्यू को हम सिंपल स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड यू कॉस थीटा होती है, तो यू कॉस थीटा इनटू टी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहां से हमने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, t is equal to x divided by u cos theta हो जाएगा, this is equation number 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहां पर टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, क्लियर, ताकि हम यहां से जो x वाला जो पैरामीटर था, जो टाइम वाला पैरामीटर था, उसको रिमूव कर सके। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा u sin theta। अब टाइम की जगह हम यहां पर क्या पुट करने वाले हैं, x by u cos theta, तो हमने यहां पर x by u cos theta पुट कर दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर। चलिए तो यहां पर हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, अब यू से यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम टेन थीटा कहते हैं, सो इट इज एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखना है कि मंकी की जो पोजिशन है, अब वो टी टाइम में कितना गिरेगा और क्या बुलेट उसे मैच कर पाएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ए बी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए सी पूरी वर्टिकल डिस्टेंस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, ए सी माइनस बी सी, तो बी सी जो है वो तो हम निकाल चुके हैं। और यहां पर मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर जो ए बी ओ ट्राइंगल है, इसमें टेन थीटा की वैल्यू बनेगी ए सी डिवाइड बाय ओ सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल हाइट जो थी यहां से यहां तक की, h हो जाएगी और ये x हो गया आपका, ठीक है। तो h by x is equal to tan theta, यहां से h की वैल्यू आ जाएगी x tan theta, इसे मैंने मिटा दिया ताकि ये दिक्कत ना करे, समझ सबको आ गया होगा। तो ac की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x tan theta, ठीक है, ac की जगह हमने क्या लिख दिया, x tan theta। अब bc की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देंगे, x tan theta माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब x tan थीटा से x tan थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, माइनस हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि जो ऊपर से ab की वैल्यू जो है वो हाफ जी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर से a और b के बीच का जो गैप है वो हाफ जी टी स्क्वायर है। अगर अब बंदर t टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर गिर गया, तो बुलेट और बंदर दोनों एक पॉइंट पे आगे मैच कर जाएंगे, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं यहां पर कि जो मंकी था वो टी टाइम में कितना फॉल करेगा,
जो मॉन्की था वो टी टाइम में कितना फॉल करेगा, पोजीशन ऑफ मॉन्की आफ्टर टाइम टी, जब वो टी टाइम तक गिरता रहेगा नीचे तो कितना फॉल करेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए यहां पर हम सिंपल सी क्वेश्चन यूज करने वाले अगेन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली क्वेश्चन, ठीक है। अब क्योंकि मंकी ड्रॉप कर रहा है, देखो वाई मंकी, वाई मंकी का मतलब है कि जब वाई गिरा है मंकी ऊपर से नीचे तक, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि मंकी तो ड्रॉप हुआ उसके हाथ से पेड़ छूट गया, ठीक है, तो यू वाई तो जीरो हो जाएगा, तो पहला फैक्टर तो खत्म हो गया इसके अंदर। अब वो गिरेगा जी एक्सेलरेशन से तो आंसर कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो कमाल की बात यहां पर ये है कि बुलेट भी हाफ जी टी स्क्वायर पे है और मंकी भी ऊपर से हाफ जी टी स्क्वायर पे पहुंच चुका है, ठीक है, बुलेट भी ऊपर से हाफ जी टी स्क्वायर पे है और मंकी भी ऊपर से हाफ जी टी स्क्वायर आ चुका है। सो बुलेट एंड मंकी आर एट सेम पोजिशन आफ्टर टाइम टी, तो बुलेट विल हिट द मंकी और इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ द बुलेट, कि कितनी स्पीड से जो है ना बुलेट आ रही है, दे विल बी एट सेम पॉइंट, सो बुलेट विल हिट द मंकी। आई थिंक यहां तक सबको बात समझ में आ रही होगी कि ऊपर से भी उसका हाफ जी टी स्क्वायर और बुलेट भी जो है वो ऊपर से हाफ जी टी स्क्वायर पे आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन की खासियत यह थी कि यहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ द गन जो बुलेट है वो हमेशा मंकी को हिट करेगी ही करेगी, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट। तो भाई अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक भेजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उन पर वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच।